अब भी अगर क्रिकेट के फैंस हैं तो आपका भी मन होता होगा कभी ना कभी स्टेडियम में मैच देखे। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि स्टेडियम में मैच देखने में कितना पैसा लगता होगा, कितने का टिकट होगा, ये सारी चीज़ बताएंगे हम आपको। बने रहिएगा आप इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, इसकी क्या खासियत है और इसमें मिलने वाली टिकटों की रेट कितनी है, सब कुछ बताएंगे, बने रहिएगा आप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्टेडियम की खासियत की। स्टेडियम को 800 करोड़ से ज़्यादा की लागत से तैयार किया गया है। खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं। स्टेडियम में कुल 132,000 लोग बैठ सकते हैं, जो दुनिया के अब तक सबसे बड़े स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी बड़ा है। मेलबर्न में 1,00,000 दर्शकों की क्षमता थी। इसमें कुल 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी तैयार किए गए हैं। ज़मीन पर कुल 11 घड़े हैं जो लाल और काली मिट्टी से तैयार किए गए हैं। फील्ड में फ्लड लाइट्स की ऊंचाई 90 मीटर है, यानी माने तो 25 मंजिला ऊंचा इमारत। इस मैदान के नीचे सब सरफल ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया है। बारिश होने की स्थिति में 30 मिनट में फिर से मैदान तैयार किया जा सकता है। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिता भी कराई जा सकती है। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको इसमें टिकट कितने की मिलती है। ए के और क्यू ब्लॉक की में टिकट की कीमत 500 रुपये है, जो कि सबसे ऊपर वाले भाग में है। बी, सी, एफ और जी ब्लॉक में टिकट की कीमत 1,000 रुपये है। जे और आर ब्लॉक की टिकट की कीमत 2,000 रुपये है। ए, एच, एम और एन ब्लॉक के में टिकट की कीमत 2,500 रुपये है। डी और ई ब्लॉक की कीमत 4,000 रुपये है। अडानी प्रीमियम बेस्ट ईस्ट ब्लॉक में टिकट की कीमत 6,000 रुपये है। यही सबसे महंगा टिकट अदानी वैकवेट का है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये प्रति सीट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।